ई अछि जनता टेलीविजन। अपने देख रहल छी जनता समाचार। दुपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहिने प्रमुख समाचारक शीर्षक सब। बरखा सहकाल की देवता रातो मसिंद्रनाथ भोटो यात्रा आई। यात्रा के अवसर में उपत्यका में सार्वजनिक छुट्टी। कैलाली में बीतल बृहस्पति ने इलाहाबाद बिहार से अवरोध। विद्युत सेवा एखन धरि सुचारू होबय नहि सकल। 42 डिग्री गर्मी से सर्वसाधारण त्रासित। गुलमी में संचालित मकई जोन कार्यक्रम प्रभावकारी बनि रहल। बेमौसमी खेती से कृषक सब लाभान्वित। आईसीसी क्रिकेट में न्यूजीलैंड द्वारा अफगानिस्तान 7 विकेट से हारल। दोसर खेल में इंग्लैंड बांग्लादेश के 106 रन से हरलक। आ 4 महीना से बंद वेनेजुएला कोलंबिया बीचक सीमा नाका खुजल। अत्यावश्यक सामग्री किनबा लेल हजारों नागरिक सब सीमा में पहुंचल। हमरा लेखन मैथिली समाचार में छी आ पूरा समाचार। बरखा सहकाल के देवता के रूप में पूजा कैल जाए वाला रातो मच्छिंद्रनाथ भोटो देखा वाला यात्रा आई भ रहा है। ललितपुर के जावला खेल में आयोजन कैल जाए वाला यात्रा के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा अवलोकन करवा कार्यक्रम रहा है। भोटो देखवा यात्रा के लिए मच्छिंद्र रथ के लगन खेल स्थित 30 टोल से तानि के जावला खेल पहुँचाओल गया। आ 4 दिन के बाद भोटो देखवा परम्परा रहा है। मच्छिंद्रनाथ के जिम्मा में रहल बहुमूल्य मणि मानिक हीरा मोती रत्न आदि जड़ित भोटो केकर ऐसे कहकर राष्ट्र प्रमुख उपस्थिति में देखवा चलन रही आल। जावला खेल में भोटो देखा चुकला के बाद वही दिन मच्छिंद्रनाथ के रथ से उतार कर छोट सिंहासन या तो डोली में राख बाजा गाजा के साथ बुगमती स्थित हुनकरे मंदिर में फिर से पहुँचवाक चलन है। मीनानाथ के रथ में राख चक्रवही में पहुँचला के बाद मच्छिंद्रनाथ के रथ यात्रा समापन होते हैं। बौद्ध सब करुणामय आ सिद्धेश्वर के रूप में पूजल जाए वाला मच्छिंद्रनाथक यात्रा भक्तपुरक राजा नरेंद्र देव आ काठमांडू के बंधु दत्त द्वारा चलाओल गेल गोपाल वंशवली में उल्लेख रहा है। एहि अवसर में सरकार द्वारा आई काठमांडू उपत्यका में सार्वजनिक छुट्टी के घोषणा कने। कैलाली कंचनपुर लगातक तराई के विभिन्न जिला में बृहस्पति दिन राति आयल हवा बिहार के कारण अवरुद्ध भेल विद्युत सेवा एखन धरि सुचारू होबय नहि सकल। विद्युत नहीं रहला से दिन प्रतिदिन बढ़त गेल गर्मी से जनजीवन प्रभावित बनल। विद्युती के कारण टेलीफोन इंटरनेट लगातक सेवा समेत अवरुद्ध बनल। करीब 42 डिग्री धरि तापक्रम पहुँचल। कृषक मजदूर आ सर्वसाधारण सब कठिनाई में पड़ल। विद्युत प्राधिकरण कैलाली के अनुसार विद्युत आपूर्ति होबय एखनो 1 हफ्ता लाग सकबाक बतौने। घनघोर बस्ती रहल कैलाली कंचनपुर में रातक समय स्थानीय गर्मी के कारण समस्या देखल गए। तहना कह कंचनपुर में आयल हवा बिहार के कारण करीब 300 बीघा में लगाओल गया केरा खेती समेत नष्ट बनल। बिहार से कृषक सबके ने वर्ष भरी के मेहनत एक रात में नष्ट भला के बाद सब क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के दरवाजा खटखटौने। क्षतिपूर्ति नहीं भेटल तो अपने सब विस्थापित होब सकबाक अवस्था आयल हुनका सबक कहब रहा है। कंचनपुर के गाँव सब में विद्युत सेवा अवरुद्ध भेला से ओत के जनजीवन समेत कष्टकर बनित जा रहा है। सागरमाथा आरोहण के क्रम में अहि वर्ष 11 गोट के निधन भेल। ऐसे त नेपाल में बसंत ऋतु पर्वतारोहण के लिए उत्तम समय मानल जाते। 24 बेर सगरमाथा चढ़ के विश्वकृतिमानि कायम कने कामृति शेर्पा आरोहण संबंधी तालीम आ तैयारी कम भेला से मानवीय क्षति बेसी भेल बतबैत। विश्व के सर्वोच्च शिखर सागरमाथा रहर से चढ़वला बेसी भेला के बादो आरोहण सहज नहीं भेल आरोही शेर्पा के कहब रहा है। सगरमाथा आरोहण में बर्फ स्खलन आ मौसमी प्रतिकूलता के जोखिम रहला के बादो किस मानवीय कमजोरी के कारण खतरा बढ़ल विश्लेषण कैल जा रहा है। आरोही संख्या बढ़त गेल मार्ग में भीड़ बढ़ल आ पालों के प्रतीक्षा करय पड़वाक बाध्यता भेला से मानवीय क्षति में बढ़ोतरी भेल आरोही सब कहते। विगत में सगरमाथा चढ़ चुकल विख्यात आरोही सब पर्याप्त तालीम आ तैयारी पूरा नहीं कर संसार के उच्च शिखर के आरोहण के लिए जाए वाला प्रवृत्ति से सगरमाथा आरोहण खतरापूर्ण बनत गेल विश्वविख्यात सबक आरोप शेर्पा के कथन रहा। सगरमाथा आरोहण में पठाबे वाला कंपनी से सत्य तथ्य जानकारी नहीं दिलाक कारण बहुत आरोही खतरा में पड़ल कामृति शेर्पा के कहब रहा। हमरा लेकर मैथिली समाचार में छी एखन छोट विश्राम। हमरा लेखन मैथिली समाचार में छी आ बाकी समाचार।
मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध में पत्रकार सब प्रदर्शन कैन है। नेपाल पत्रकार महासंघ के आयोजना में सोई दिन काठमांडू के बबर महल में पत्रकार सब मानव श्रृंखला बनाकर सहितक प्रदर्शन कैन है। पत्रकार सब स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में नाराबाजी समेत कैन चल था। पत्रकार सब हाथे संगला बबर महल के बानेश्वर धरि पहुँचौने चल था। विरोध कार्यक्रम में पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्य पत्रकार महासंघ वार्ताक लेल तैयार रहला के बावजूदो सरकार व्यवस्था कैने कहे तो सड़क संघर्ष में उतर पड़बाक बाध्यता रहल बतलत। स्वतंत्र प्रेस के लागि बीतल में भेल सो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मिशन नेपाल आयल संदर्भ उल्लेख करैत आवश्यक पड़ल तऽ एखन में बजाउल जेबाक आचार्य के कहब रहल अछि। अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने कुरा पनि महासङ्घले गरेको छ। आवश्यक पर्यो भने हिजो पनि मिसन आएको हो, भोलि पनि हामी बोलाउनका लागि तयार हुनुपर्छ, हामीले बोलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेस के अंकुश लगावा जका सरकार मीडिया काउंसिल विधेयक लाउने कहेतु संचारकर्मी मानव अधिकार कर्मी लगायतक विरोध करैत आएल। हाते संगला कार्यक्रम में पत्रकार महासंघ के पूर्व पदाधिकारी विभिन्न संचारगिरी के संपादक पत्रकार सहभागिता रहल छल। साहित्य सदन नेपाल एक कार्यक्रम के बीच साहित्यकार के सम्मान पुरस्कार प्रदान कने छ। साहित्य मदन अहि वर्षक हृदयचन्द्र स्मृति सम्मान वरिष्ठ मार्क्सवादी सुन्दरी चिन्तक मोहन वैद्य चैतन्य के प्रदान कने छ। पूर्वी तथा पाश्चात्य दर्शन के ज्ञाता मानल जायवला हिमाली दर्शन के विकास करब वैद्य के विशिष्ट समालोचक के संगे बौद्धिक तथा प्रागिक पक्ष में सम्मान करैत हृदयचन्द्र स्मृति समापन पुरस्कार प्रदान कने छ। पार्टी पुरस्कार खेल जाने छैन, सम्मान खेल जाने छैन भन्नुको निम्ति म यहाँ सबैसँग म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तहिना सदन संघर्षशील तथा साहसशीलक महिला सँगै वरिष्ठ साहित्यकार कविता पौडेलकी गोपाल प्रसाद रिमाल पुरस्कार सँ सम्मान कयल गेलै। सामाजिक विकृति विसंगति विरुद्ध कलम चलबैत समाजको सकारात्मक दिशामे उन्मुख कराबऽ कयल गेल साहित्य योगदानकी सम्मान स्वरूप पौडेलकी पुरस्कार प्रदान कयल गेलै। पौडेलक बहुतो आख्यान कृति बहुतो संस्मरण कविता सब प्रकाशित भेलै छ। कार्यक्रम में सहभागी वैद्य आ पौडेल के साहित्य योगदान के चर्चा कयल गेल छल। आब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको हुन्शी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। एनआईसी एशिया बैंकको चमत्कारी खाताहरू आजै गएर आफ्नो र आफ्नो पुरै परिवारको खाता खोलिहालौ। नेपालको नम्बर 1 पीपीआर पाइप नेपाल टप सब ठिकठाक। गुलमी में संचालित प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मकई जोन कार्यक्रम प्रभावित बनैत गेल। बेमौसमी मकई खेती करय लगलाक बाद गुलमी किसान सब एखन नीक आमदनी कऽ रहल अछि। हरियर मकई के लेल सावन भादो धरि प्रतीक्षा करय पड़बाक एकटा समय छल गुलमी किसानक लेल, मुदा आब समय बदलि गेल अछि। परम्परागत रूप में वार्षिक बाली के रूप में रोपित आयल मकई खेती आब बेमौसम में सेहो उत्पादन भ रहल अछि। प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना के मकई जोन कार्यक्रम लागू भेलाक बाद गुलमीक बहुतो किसान के जीवनशैली बदलि गेल अछि। 25,000 भन्दा बढीको मकै बेचिसक्यो हामीले, त्यो चाहिँ राजडाँडाको बजार र तम्गासु बजारमा चाहिँ बेचिरहेको छ र यहाँ गाउँमा पनि फुटखाएर लैरहेको छ। यो मकै चाहिँ हामीले हालचाल बेचिरहेको छ र त्यो मकै चाहिँ अब हाम्रो तयार हुँदैछ, त्यो मकै चाहिँ सस्तोमा बिक्री हुन्छ, यो मकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति भनिएको छ त्यतिमा बिक्री भइरहेछ। मकई जोन कार्यक्रम गुलमीक 5 स्थानीय तह के 15 वार्ड में संचालन होता है। आर्थिक वर्ष 2073-74 से मकई जोन कार्यक्रम शुरू भेल। मकई जोन कार्यक्रम अंतर्गत कृषक के कीटनाशक औषधि बीज बीजन आ विभिन्न कृषि उपकरण 50-85% धरि अनुदान में उपलब्ध कराबत व्यावसायिक मकै उत्पादन गर्नको लागि उन्नत त्यसपछि उन्नत मकै खेती विस्तारको लागि बीज वृद्धिको लागि र हरियो गह मकैको हरियो गह उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्नको लागि चाहिने स्रोत साधन विशेष गरी उन्नत बिउ मल र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। इसमा के मकई किसान इस समय मकई बिक्री करय में व्यस्त देखल जाते है। वर्षाक समय में रोपल जाय वाला स्थानीय जाति के मकई सँ बेसी एखन के समय में लगाओल गेल बेमौसमी मकई अत्यधिक उत्पादन होबाक आ सहजता सँ बाजार में भेटबाक किसान सभक अनुभव है। दुई रोपनी जगह में लगाउँदा हाम्रो
लगभग 4800 घुवा जति बजार पठाइयो। अब यता फुटकर बेचेसम्म 5000 घुवा जति कट्यो होला जस्तो लाग्छ। फेरि 45,000-50,000 बिक्री गरियो। अब आगामी वर्षमा हामीले योभन्दा धेरै लगाउने प्रयास गरेका छौँ। परियोजनाकै मकै जोन कार्यक्रमसँग किसानकै आधुनिक आ व्यावसायिक कृषि उत्पादन गरेमे बहुत मदत भेटल अछि। हाम्रा लेखन मैथिली समाचार मिन्छि एखन छोट विश्राम। हाम्रा लेखन मैथिली समाचार मिन्छि आब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारक संग माउन्टेन जिउ रिस उठा नाम बना इङ्ल्यान्डमै जारी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमै न्युजिल्यान्ड लगातार तेस्रो जित हासिल गराएछ। बेतलाइत भएको खेलमै अफगानिस्तानकै 7 विकेटसँग पराजित गराएत न्युजिल्यान्ड अपन विजय यात्रा कायम राख्नेछ। अफगानिस्तानद्वारा देलगेल 173 रनको लक्ष्यकै पछु अवैत न्युजिल्यान्ड 32 ओभर एक बलमै 3 विकेटकै क्षतिमै पुरा गर्न सकेन। इङ्ल्यान्डका कप्तान केन विलियमसन अभिजित 79 रन बनाउने सलाह त रोस टेलर 48 रनक योगदान दिलाथ। अहिसँग पहिले टस हारेको ब्याटिङ गर्ने अफगानिस्तान 41 ओभरमै 1 बलमै अल आउट होइत 172 रन बनाउने छ। अफगानिस्तानक लेल हस्तम उल्लाह साहिदी 59 रन जोड्लेन त बलिङ दिस न्युजिल्यान्डकै जेम्स निसम 5 विकेट तथा लोकी फर्गुसन 4 विकेट दिलाथ। जित सिंहे 3 खेलसँग 6 अङ्क जोड्ने न्युजिल्यान्ड तालिकाको शीर्ष स्थानमै पहुँचल छ। अफगानिस्तानकी लगातार तेस्रो हार रहेछ। विश्वकप क्रिकेटकै दोस्रो खेलमै इङ्ल्यान्ड बङ्गलादेशकै 106 रनकै अन्तरसँग पराजित गर्नेछ। वेल्सकै कार्डिफमै इङ्ल्यान्डद्वारा देलगेल 387 रनकै लक्ष्य फलो गरेत बङ्गलादेश 48 ओभरमै 5 बलमै अल आउट भएको 280 रनमै सम्टाल छ। जितसँगै इङ्ल्यान्ड 3 खेलसँग 4 अङ्क जोड्नेछ। बङ्गलादेश 3 खेलमै 2 अङ्क मात्र जोड्नमै सफल रहेछ। आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भेनेजुएला 4 महिना पश्चात कोलम्बिया सङ्घकै सीमानाका खुला गर्नेछ। अमेरिकाद्वारा पठाउल गेल मानवीय सहायताकी सामग्री विपक्षी नेता भित्र प्रवेश गर्वाक प्रयास गर्ने कायत बितल फेब्रुअरीसँग बन्द कयल गेल नाका फेरसँग खोजाउल गेलैछ। नाका खुला भेल जानकारी दैत राष्ट्रपति निकोलस माडुरो नागरिकको शान्ति चाहेछ कहित आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताके संरक्षण गरक लेल पाछा नै हटबाक लेल उल्लेख कयने छ। नाका फेरसँग खुला भेलाक बाद भेनेजुएलाकै हजारौँ नागरिक सब अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्वा लेल पडोसी देश कोलम्बिया प्रवेश कयने छ। विपक्षी नेता हुआ ग्वाइडोकै अमेरिकी सहायता सामग्री अनबाक प्रयास कलाक बाद राष्ट्रपति निकोलस माडुरो नाका समेत बन्द कयने छला। 21 मेमै बन्द कयल गेल ब्राजिल अरुवा आइसल्यान्ड सँगैकै सीमा अहिसँग पहिने खुला भ चुकल छ। भेनेजुएलामै विगत 7 वर्ष जारी आर्थिक सङ्कटकै कारण अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएलैछ। सङ्कटकै कारण पछिल्ला 4 वर्षमै 40 लाख व्यक्ति विस्थापित भेल राष्ट्रसङ्घकै तथ्याङ्कमै उल्लेख रहेछ। समाचारक अन्तमै प्रमुख समाचारक शीर्षक छ फेरसक फेर बर्खा सहकालकी देवता रातो मच्छिन्द्रनाथकी भोटो जात्रा आई जात्राको अवसरमा उपत्यकामै सार्वजनिक छुट्टी। कैलालीमै बितल बृहस्पति दिन आइल हावा बिहारसँग अवरोध विद्युत सेवा एखन धेर सुचारू हुन नै सकल 42 डिग्री गर्मीसँग सर्वसाधारण सभ आर्जित। गुल्मीमै सञ्चालित मकै जोन कार्यक्रम प्रभावकारी बनिरहल बेमौसमी खेतीसँग कृषक सभ लाभान्वित। आइसिसी क्रिकेटमै न्युजिल्यान्डद्वारा अफगानिस्तान 7 विकेट सारल दोस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड बङ्गलादेशक 106 रनसँग हरलक। आ 4 महिनासँग बन्द भेनेजुएला कोलम्बिया बिचको सीमा नका खुजल अत्यावश्यक सामग्री किन्वा लेल हजारौँ नागरिक सीमा पारी पहुँचल। एखन लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलिभिजनकै कार्यक्रम सब युट्युब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार .com पढ़ देखा सुनि सकै छी। तेना जनता टेलिभिजनमै दुपहर 1 बजे नेपाली भाषामै न्यूज अपडेट लगाउ उपस्थिति हेपेटा क्रम हमसब अविराम अनुकरणीय अभ्यासमै छी। जनताद्वारा जनताले प्रसारित जनता समाचार देखैत रह। नमस्कार।